धरती पर प्रकट हुए भगवान शंकर, भक्तों को दिया साक्षात दर्शन, दुख को हरने आए भगवान, कोरोना का होगा अब नाश। अचंभा लग रहा होगा, लगना भी चाहिए, लेकिन बात सौ आने सही है। वैशाली जिले के सराय में भगवान शंकर खुद प्रकट हुए हैं। उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिया है, लोगों ने उनकी पूजा की, जिसके बाद भगवान फिर से लुप्त हो गए। लेकिन लोगों को भरोसा जरूर हो गया है, कोरोना रूपी दुश्मन से रक्षा के लिए भगवान धरती पर अवतरित हो चुके हैं। पूरा मामला सराय के शीतल भकलूहर गांव का है। गांव के लोग उस समय अचंभित हो गए जब गांव के सबसे पुराने मंदिर बिदेश्वर मंदिर में अजगर सांप शिवलिंग से लिपटा हुआ देखा। शिवलिंग से लिपटा अजगर सांप को देखकर गांव वाले हैरान हो गए और लोग इसे भगवान का आशीर्वाद लेने लगे। उसके बाद लोगों ने मंदिर में पूजा पाठ शुरू कर दी, लेकिन इसी दौरान शिवलिंग से लिपटा हुआ अजगर सांप अचानक लापता हो गया। ग्रामीण इसे चमत्कार समझ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वैश्विक महामारी कोरोना काल में अजगर सांप का दिख जाना गांव वालों के लिए बहुत ही शुभ है। उन्हें भरोसा है कि आने वाले समय में अब जबकि भोले बाबा के मंदिर में सांप का दर्शन हुआ है तो इस गांव में कोई भी अनहोनी नहीं होगी। लोगों का कहना है कि इससे पहले भी कई बार मंदिर में शिवलिंग से लिपटा हुआ सांप का दर्शन हुआ है। पिछले दिनों जब लोग चमकी बुखार से त्राहिमाम कर रहे थे तब भी इस मंदिर में सांप के दर्शन हुए थे। उसके बाद गांव में किसी तरह की अनहोनी नहीं हुई। सांप का अचानक आना और फिर अचानक गायब हो जाना गांव वालों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है, और इसी कारण गांव वालों ने मंदिर में पूजा अर्चना की और इस मंदिर के प्रति लोगों की और गहरी आस्था जुड़ गई। गांव का सबसे पुराना मंदिर है, काफी दिनों से ये मंदिर का बहुत बड़ा आस्था है, जो हर साल इसी माह में यहाँ पे, पिछले साल भी एक नाग भगवान यहाँ शंकर भगवान के इस मूर्ति के ऊपर लपेटे हुए थे, और इसी माह में फिर देख रहे हैं कि एक कल सुबह जब हम लोग मंदिर धोने के लिए यहाँ पहुँचे तो देखे कि शंकर भगवान की जो शिवलिंग है उसके ऊपर एक अजगर सांप, जो यहाँ काफ़ी चर्चित का सोचने वाली विषय है कि यहाँ अजगर कहाँ से आ गया। ऐसे नाग देवता तो बराबर देखते हैं, हम लोग बराबर भेंट हो जाते हैं, लेकिन अजगर ही कहाँ से आए। कि हमको लग रहा है कि महामारी में बहुत हमारे शंकर भगवान का साक्षात दर्शन हो रहा है, इससे लग रहा है कि हम लोग काफ़ी मतलब कल्याण होने वाला है और ये हमारे देश का भी कल्याण होने वाला है। इस मंदिर का बहुत बड़ा है, मतलब जागता हुआ इससे दर्शन करने के लिए कल बहुत भीड़ लगी हुई थी और अचानक देखते देखते फिर हम लोग दोबारा आए तो पता नहीं चला फिर किधर गायब हो गया। लोग सुबह ग्रामीण हम गांव में हम लोग को पता चला जी हमारे नर्मदेश्वर महादेव मंदिर है वहाँ पे एक बहुत बड़ा सांप का एक अजगर निकला। तो हम लोग आए, ग्रामीण हैं, हम लोग आए यहाँ देखे, सही में सचमुच यहाँ देखने को मिला हम लोग देखे। उसके बाद अचानक शाम में फिर हम लोग देखे तो सांप नहीं है यहाँ। हम लोग सारा ग्रामीण था, उसका वीडियो कुछ बनाया लोग, लेकिन सांप देखने को फिर बाद में नहीं मिला, शाम में हम लोग को कुछ नहीं मिला।